मैं राकेश कुमार एमए बीएड तक एजुकेटेड हूँ। पढ़ाई होने के बाद पूरी होने के बाद मैंने एजुकेशन का काम शुरू किया, विद्यालय की ओपनिंग की और ये मानकर ओपनिंग की कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रभाव आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कम है, उसमें कुछ योगदान हो सके, हमारी पढ़ाई के माध्यम से लोगों का विकास हो सके, इसको लेकर हमने एक ग्रामीण अंचल में विद्यालय की शुरुआत की। पढ़ाई के बाद स्कूल की शुरुआत सन 2000 में की मैंने और इसमें स्ट्रेंथ शुरुआत में ही 300 के लगभग थी और तब से लेकर आज तक 24 वर्ष का लगभग सफ़र है। शुरुआत में थोड़ी एक दो तीन साल कम बच्चियाँ आई, लेकिन जब लोगों को लगा कि भाई बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, हमने भी एक दो बार सेमिनार की, समय समय पर लोग आए, लोगों से बातचीत की, भाई बच्चियों को भी पढ़ाओ, बेटी बेटा दोनों एक समान होते हैं, तो लोगों ने उस बात को कंसीडर किया, समझा और आज की संख्या इतनी है कि आज किसी किसी क्लास में तो बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स की संख्या अधिक है। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे यहाँ से हम चार लड़के इतने बड़े गाँव से और केवल एक लड़की पढ़ने जाती थी हमारे साथ, उस समय बच्चियाँ तो पढ़ती ही नहीं थी। तो आज हम ये उद्देश्य लेकर हमने खोला कि सारे लोग पढ़े, तो आज बच्ची हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ रही हैं, एक भी घर से ऐसी कोई बच्ची नहीं है जो इंटर पास ना हो। तो मेरी बारकार कोशिश रहती है कि कोई भी बच्ची इंटर से कम एजुकेटेड ना हो, उसको कम से कम एंट्रेंस तो करा ही दिया जाए जिससे उसके जीवन में वो कभी काम आ सके। के लिए अगर कोई गार्जियन कॉपरेट नहीं करते हैं बच्चियों को पढ़ा, तो मैं पर्सनली उनके घर जाकर उनको डिस्कस करता हूँ, उनको मैनेज करता हूँ, सारी बातें बताता हूँ और मुझे ये खुशी है इस बात की कि अंततः मैं उनको विश्वास में लेकर राजी कर लेता हूँ, बच्चे को फंड भेजते हैं। पटना से तकरीबन हम 7 साल पहले जुड़े और हमसे ये कहा कि आप चाहें तो हमारा कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, हम फाइनेंशियल सहयोग करते हैं और कंपनी वर्तना के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और उनकी बात सुनने के बाद हमें लगा कि हमें थोड़ा बहुत इनसे मदद लेनी चाहिए। उनकी पॉजिटिविटी को देखकर, उनकी पॉलिसी अच्छी लगी उसको देखकर हमने उनसे फर्स्ट टाइम 10 लाख की मदद ली। उसके बाद वो पूर्ण होने के बाद वो एक दिन फिर आए उनके लोग, फिर उन्होंने 20 लाख की मदद की और लगातार वो अभी चल रही है। थोड़ी पॉलिसी ठीक है, बिहेव उनके वर्कर्स का ठीक है और ज़्यादा कुछ बहुत सारा दबाव नहीं रहता, इजीली सारी चीज़ें हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे नहीं मांगे जाते हैं। अब एक ही बार हमसे लिया गया फर्स्ट टाइम है, उनसे ही सेकेंड राउंड में भी कर दिया गया सब काम। हमने बिल्डिंग को मॉडिफाई किया, पुराने बिल्डिंग को हटाया तोड़ा और उससे नई बिल्डिंग का हमने कंस्ट्रक्शन किया। अभी ये तो इंटर कॉलेज का ही इसका लेवल था, वो हमने पूर्ण करा दिया है। इंटर क्लास की 2 वर्ग की मान्यता है, साइंस वर्ग की और आर्ट वर्ग की, कला वर्ग की और विज्ञान वर्ग की दोनों मान्यता है, उसमें बच्चे निकल रहे हैं लगातार। अब इसके बाद हमारा एम है कि हम एक डिग्री कॉलेज और बनाएं। जो ऐसे लोग हैं जिनके फादर की किसी कारणवश डेथ हो गई है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, असहाय बच्चे हैं जिनके घर परिवार में कोई सहारा नहीं है, वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते। सोसाइटी में इतना चेंजेस देखा हमने 24 वर्ष में कि जो बच्चे फ्री घूमते थे, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, वो पढ़ रहे हैं आज। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकलकर सर्विस में चले गए, काफ़ी बच्चे अपना बिजनेस में चले गए, काफ़ी बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़कर, तो काफ़ी चेंज हुआ है।